दशरथ के आंगन में किस प्रकार से भगवान श्री राम आए। देखो राम के भूतल पे आने के विद्वानों ने कई कारण बता दिए। पहला कारण बताया, जब जब होए धर्म की हानि पाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविधि शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन मीरा। जब दुनिया में अधिक पाप होता है महाराज, जब धर्म नहीं रहता तब तब भूतल पर परमात्मा का अवतार होता है। ये राम जी का भूतल पे आने का पहला कारण। अब दूसरा कारण सुनो आप लोग। एक बार नारद ने तपस्या की तो नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव गए, ताकत पूरी लगाई लेकिन तपस्या भंग नहीं कर पाए। इन्होंने कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली तो नारद को अपने ऊपर घमंड हो गया। एक बात बताएं आप, किसी भी इंसान की आप ज्यादा प्रशंसा कर दो महाराज, किसी की ज्यादा बड़ाई कर दो तो इंसान के अंदर घमंड आना ये प्राकृतिक होता है। कौ लड़का से कहे तो भैया तुम बड़ा सुंदर लगत हो, तो दिन भरे में कहो दो चार शीशा फुटा है। कोई मोटरसाइकिल चला तो बात कह दे भैया तुम बड़ा अच्छी गाड़ी चला ले, 80 पे चला ले, बोले 80 की तो बात छोड़ो, अब बाबूजी ने लगाओ चश्मा, पत्नी पीछे लला पला सब संग है, अब चले बाबूजी, अब जा रहे हैं क्योंकि प्रशंसा कर दी, आगे पढ़ो ब्रेकर तो लला अलग पला अलग अपना। इंसान की अगर आप ज्यादा बड़ाई कर दो प्राणी के अंदर घमंड आना ये स्वाभाविक होता है। नारद को घमंड हो गया, हमने तो कामदेव को जीत लिया। अरे दुनिया के लोगों ने नहीं जीत पाया, हमने कामदेव को जीता। तो नारद पहुंचे भोले बाबा के पास, बोले महाराज दुनिया के लोगों ने कामदेव को नहीं जीत पाया, हमने कामदेव पे विजय प्राप्त की। भोले बाबा ने सोची नारद को घमंड हो गया। और एक बात बताएं आप, भगवान तो घमंड का भोजन करते। बोले बहुत अच्छे नारद, जब आप तुमने हमें तो बताई लेकिन ब्रह्मा जी को मत बता दे। नारद बोले अब तो हम जरूर बताएंगे। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने सोची नारद को घमंड है, बोले तुम विष्णु को मत बता देना। अब नारद फिर पहुंचे विष्णु भगवान के पास, अरे महाराज दुनिया के लोगों ने कामदेव को नहीं जीत पाया, मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त की। अब भगवान ने सोची नारद को घमंड कैसे दूर कर, एक माया रूपी नगर बसाया, उसमें एक बड़ी सुंदर कन्या को माया रूपी कन्या प्रकट कर। और नारद अकस्मात निकल रहे थे, उसी कन्या का स्वयंवर है। स्वयंवर का मतलब समझते हैं आप लोग।